नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं हम लोगों का खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। बात अक्सर ऐसे ही शुरू होती है। एक वर्दीधारी इंसान, उसको लगने लगता है कि उसका हक है उन पर अत्याचार करने का जिनके खिलाफ वह बचपन से ही नफरत करता है। यह तिरस्कार बढ़ जाती है जब उसको अथॉरिटी या उसको एक वर्दी मिल जाती है, स्टेट पावर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ग्रोइंग अप विथ प्रेजुडिस एंड रियलाइजिंग द पावर ऑफ द लॉ एनफोर्सर। बात हो रही है अमरीका की, पिछले दिनों की घटनाओं की, जब एक अमरीकी पुलिस ऑफिसर अपने 3 साथियों के साथ जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अमरीका का ही नागरिक को मौत की घाटी उतार देता है। 25 मई की ये त्रासदी से उत्पन्न प्रतिरोध के बारे में तो न्यूज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सिचुएशन बहुत डायनामिक है। जो मैं आज कह रहा हूं, कुछ ही दिनों के बाद ये बिल्कुल परिस्थितियां बदल जाएंगी और बात कहीं की कहीं और चली जाएगी। लेकिन अभी तक जो बहुत घटनाएं हुई हैं, उसमें बहुत सारे अमरीकी शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगह नेशनल गार्ड तैनात हैं और हजारों अमरीकी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। उस घटना के खिलाफ, मतलब जो एक नागरिक को बिला वजह पुलिस ने जो मारा है, उस घटना के खिलाफ कई जगह प्रतिरोध या विरोध हुआ है। उसमें बहुत इंटरनेशनल, पूरे दुनिया में शहरें हैं जैसे ऑकलैंड, बार्सिलोना, बर्लिन, ब्रिस्बेन, कोपेनहेगन, डबलिन, लंदन, मॉन्ट्रियल, पेरिस, सिडनी, टेल अवीव, टोरंटो, वैंकूवर और एथेंस। यहां तक कि भारत में भी कुछ सेलिब्रिटीज ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को सपोर्ट किया। उनको तो बस अपने गिरेबान में ही झांकने को कह दिया गया तो वो चुप हो गए। हिंदुस्तान कौन सा कम है सोशल इंटॉलरेंस, टारगेटेड वायलेंस और पॉलिटिक्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन के मामले में। खैर, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, बाद में अगर जिक्र आएगा तो फिर उसकी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इस घटना या जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के जेनेसिस की। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एनालाइज करना कि क्या वजह है अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट के पैसेज के 56 साल के बाद भी अभी भी पुलिस ब्रुटैलिटी स्किन के कलर के बेसिस पर होता आ रहा है। पुलिस दूसरे यार्डस्टिक्स क्यों अपनाती है, जैसे ही कोई सस्पेक्ट, किसी क्रिमिनल केस में कोई भी सस्पेक्ट अगर वो ब्लैक हो। 2 जुलाई 1964 में ये कानून पास किया गया था और सिविल राइट्स एक्ट एक तरह से ओमनिबस लॉ है अमेरिका का। रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन के बेसिस में भेदभाव को आउटलॉ किया गया था इस कानून से। 11 टाइटल इस सिविल राइट्स एक्ट में हैं। टाइटल्स का मतलब सेक्शंस या फिर चैप्टर्स। वोटिंग राइट से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स में सब जगह इक्वल एक्सेस सबको गारंटी किया गया था इस कानून के तहत। सिविल राइट्स एक्ट में कई बार संशोधन किए गए कानून को रीइंफोर्स करने के लिए। ज्यादा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स 1972, 1978, 1991, 2002 एंड उसके बाद फाइनली 2009 में किए गए हैं। अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट का इनैक्टमेंट एक लंबी लड़ाई के बाद हो पाया था। इस कानून के पैसेज में बहुत बड़ी भूमिका
उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी का था, परंतु उनका असैसिनेशन नवंबर 1963 में हो गया और उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। उनके मृत्यु के बाद जो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने 8 ही महीनों में इस कानून को कांग्रेस से पास करा के इसको ऑफिशियल सैंक्शन दे दिया गया। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड के मृत्यु कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी रेशियली मोटिवेटेड पुलिस ब्रुटैलिटी का एक लंबा अमेरिका में इतिहास है। पुलिस वायलेंस खास तौर से देखा गया है अफ्रीकन अमेरिकन्स के खिलाफ। रॉडनी यंग, माइकल ब्राउन, फ्रेडी ग्रे, ऐसे कई केसेस हैं जिसके बारे में हम बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं। शायद पूरा प्रोग्राम ही हमारा खत्म हो जाएगा अगर इन केसेस को हम इंडिविजुअली उनके तह तक जाने लगे। अमेरिकन जो सेंसस ब्यूरो है उसके मुताबिक अफ्रीकन अमेरिकन्स की आमदनी नॉन हिस्पैनिक वाइट्स की मात्रा में सिर्फ 3/5 है। इतनी लेवल ऑफ डिस्पैरिटी है। सन 2018 में जो एवरेज ब्लैक हाउसहोल्ड अमेरिका में था उसका एनुअल इनकम लगभग $41,400 था। इसके विपरीत व्हाइट्स का जो एवरेज हाउसहोल्ड इनकम था वो $70,600 था। गैप वाकई में काफी स्पष्ट था और ज्यादा था अमेरिका के तुलना में। लेकिन यूके में डिस्पैरिटी लेवल्स इतने ज्यादा नहीं है। वहां पे ब्लैक एवरेज हाउसहोल्ड का इनकम व्हाइट्स की तुलना में लगभग 90% है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में भी जो डिस्पैरिटी लेवल्स थे वो काफी कम हुए, खास तौर से अगर हम 1970 के फिगर्स से कंपेयर करें तो। लेकिन सन 2000 के बाद से ये डिस्पैरिटी लेवल का डिक्लाइन लगभग खत्म हो गया, बल्कि बहुत बड़ा है। अभी COVID-19 के चलते फेडरल स्पेंडिंग काफी बढ़ गई है अमेरिका में, तो ये डिस्पैरिटी लेवल्स फिर से कम होंगे। लेकिन जब बिजनेस नॉर्मल होगा तो जो फेडरल स्पेंडिंग कम होने लगेगा उस समय, तो जो लो या अनस्किल्ड काम जो ब्लैक्स ज्यादा करते हैं अमेरिका में, वो COVID-19 में सबसे ज्यादा हिट हुए हैं और जो रिसेशन आएगा उसमें सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट होगा, तो फिर से डिस्पैरिटी लेवल्स बढ़ेंगे क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलेगा। अमेरिका हमेशा से एक पैराडॉक्स रहा है इतिहास भर में। एक तरफ तो स्वतंत्रता, समानता, विधि नियम, प्रजातंत्र और पूंजीवाद के प्रिंसिपल्स हैं, उसके आधार पे राष्ट्र प्रगति करता है अमेरिका में। वहीं दूसरे तरफ रेशियलिज्म या जातिवाद पूरी तरह से अपना प्रेजेंस हर कदम में अमेरिका में मार्क करता है। ये कैसी विडंबना है? रूल ऑफ लॉ के साथ साथ सोशल वायलेंस प्रचलित है हमेशा। जब देखो किसी ना किसी नॉन हिस्पैनिक व्हाइट या ब्लैक नागरिक को अटैक किया जाता है सिर्फ कलर ऑफ द स्किन के आधार पर। अमेरिका में खबरों की कोई कमी नहीं है। केसेस बहुत हैं कि कोई नॉन हिस्पैनिक व्हाइट ने किसी ब्लैक या ब्राउन स्किन आदमी को कहीं ना किसी कारण से अटैक किया। ऐसे जातिवादी सोच तो हम हिंदुस्तानियों की भी खासियत रही है। रेशियल और कास्ट ऑपरेशन में बहुत समानता है। इसके साथ तो अब रिलीजन बेस्ड प्रेजुडिस भी भारत में या हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा डोमिनेंट ट्रेंड बन गया है। हमारे यहाँ के दलित या अछूत भी तो एक तरह से ब्लैक या ब्राउन है। कालू शब्द, किसी को भी कालू कहना एक तरह से डेरोगेटरी है हमारे भाषा में। फेयर एंड लवली जिस देश का प्रिंसिपल कॉस्मेटिक ब्रांड हो और जहां स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ के ढोंगी बाबा भी बेच रहे हो, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, तो वहां
तो रेशियलिज्म प्रचलित है ही। किसी भी अखबार या मैट्रिमोनियल एड्स के जो वेबसाइट्स हैं उनको आप देखिए तो उसमें स्किन कलर के बारे में जरूर जिक्र मिलेगा या रेफरेंस मिलेगा। और अगर कोई गोरा नहीं है तब तो वोकैबुलरी में एक्सपेरिमेंटेशंस देखने को मिलेंगे, आपको नए नए किस्म की फ्रेजियोलॉजी देखने को मिलेगी ये बताने के लिए कि ये इंसान गोरा नहीं है लेकिन काला नहीं है। माना जाता है हिंदुस्तान में जाति प्रथा लगभग 2000 साल पुरानी है। ट्रेडिशनली नीची जाति के लोग जिन्हें वर्ण व्यवस्था में अति शूद्र कहा जाता है उनको राइट्स नहीं होते हैं कई किस्म के। अन्य ऊंची जाति के साथ उनकी रोटी बेटी का रिश्ता तो होता ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्पेसेस में भी और पब्लिक में तो बिल्कुल ही उनके साथ स्पेस शेयर करने में दिक्कत होती है। ऊपर से पहले तो शमशान घाट भी उनके लिए अलग होते थे। आजादी के बाद हमारे संविधान में जाति या धर्म के आधार पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म कर दिया गया, लेकिन इस प्रावधानों का पालन जो इनके वायलेशन में ही ज्यादा हुआ। तो इसी वजह से इस एक्सपीरियंस को देखते हुए 1955 में सरकार संसद के सामने द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट लाई और इसको पास करवा लिया। इसका पर्पस ये था कि ताकि संविधान के जो प्रावधान हैं इसका अगर कोई वायलेशन करे तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बाद में इस कानून का नाम बदलकर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया। 1989 में द शेड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास किया। इसके बावजूद भेदभाव और हिंसा का दौर अब भी प्रचलित है। अमेरिका और हिंदुस्तान में जातीयता के आधार पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन के जो कानून हैं इसको पास किए हुए 50 साल से ज्यादा हो गए। हम अमेरिका के साथ आर्थिक लेवल पर तो कॉम्पीट नहीं कर पाए, लेकिन जहां तक सोशल प्रोफाइलिंग और जो टारगेटिंग है उस मामले में हम जरूर कॉम्पिटिटिव रहे हैं। दलित के अलावा अब तो हिंदुस्तान में रिलीजन बेस्ड टारगेटिंग भी होने लगी है। कोविड पीरियड 19 की बात ही देखिए, हिंदुस्तान में पुलिस एक्शन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स और उन लोगों के खिलाफ जो सरकार के सोच के विपरीत सोचते हैं उनके खिलाफ जिस तरह से टारगेटिंग हो रही है, इसको इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये एक स्टेट पॉलिसी और नया नॉर्मल बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में जिस तरह से सस्टेन्ड अनरेस्ट और प्रोटेस्ट चल रहा है ये 1960 के दशक में जो सिविल राइट्स एक्ट था उसके पैसेज के पहले की बात कर रहा हूं, उससे उसके बाद से इस लेवल ऑफ प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला है। सवाल यह है कि चाहे भारत हो या अमेरिका हो, पुलिस या स्टेट मशीनरी का बायस कैसे खत्म हो सकता है। समस्या और गहरी है क्योंकि कई देशों में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो इस बायस के बेसिस पे ही अपनी राजनीति चलाती है। बराक ओबामा जो अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक सवाल उठाया है कैसे इस विरोध के जो प्रोटेस्ट का जो चल रहा है इस मोमेंटम को कैसे सस्टेन किया जा सकता है और कैसे बदलाव लाया जा सकता है। हम तो मार्टिन लूथर किंग, बाला साहेब अम्बेडकर और मौलाना आजाद जैसे लोगों की बात करते रहेंगे, लेकिन अंत में कमान एक नए जेनरेशन ऑफ एक्टिविस्ट के हाथ में है। उन्हीं को तय करना है कि आंदोलन को कैसे नया स्वरूप दिया जा सकता है। वे जरूर इतिहास से प्रोत्साहन लेंगे और कई उनकी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी को खुद बनाएंगे। बात खत्म करने के पहले मैं एक सपना का जिक्र करना चाहता हूं, या यूं कहिए कि हम उन सपनों की बात करेंगे जिनका जिक्र
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 में किया था। उस समय एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और एक बहुत बड़ी रैली, उस किस्म की रैली तब तक अमेरिका में नहीं देखी गई थी। स्लेवरी एबॉलिश हुए तब 100 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन ब्लैक पीपल को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। तभी उन्होंने अपना वो जो फेमस भाषण है, आई हैव अ ड्रीम, वो भाषण उन्होंने दिया था। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु और हिंदुस्तान में हो रहे दमन को देखकर यही लगता है कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लेकिन उम्मीद की किरणें दिख जरूर रही हैं हम सबको। अमेरिका और दुनिया में जो आंदोलन चल रहे हैं, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु से उत्पन्न जो एक तरह से आंदोलन हुआ है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन की प्रथा खत्म की जाए, पुलिस ब्रुटैलिटी की आवाज़ जो उठाई जा रही है, उससे दोबारा हम लोगों को वो सपना देखने का एनकरेजमेंट जरूर मिलता है। लोगों की ये जो यूनिटी दिख रही है, उनमें ये एक नया रिजॉल्व, ये जो करेज है, करेज टू प्रोटेस्ट, ये एक तरह से आम समय में नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही रिस्की वक्त है ये। लोग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ साथ चल रहे हैं, उनको कोरोना वायरस की कोई चिंता नहीं है, उनको डर नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का ना पालन करने के रिस्क क्या होते हैं। लेकिन शायद वो रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि उनको पता है कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी के बचाव के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अमेरिका और बाकी दुनिया में जिस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर देश या राष्ट्र पे पड़ेगा, हिंदुस्तान पर भी शायद पड़ेगा। नमस्कार।